ये बंदा मान नहीं रहा। कौन सी कंपनी की जैकेट है इसकी? सेमिटार पता नहीं क्या, शिमिटार। एक जैकेट पहन के इसने ना मतलब रोड सेफ्टी की ये का तरीका है पगड़ी पहनी। और कई लोग ऐसे जस्टिफाई करते हैं, इन्होंने तो पगड़ी पहनी, इनको जरूरत नहीं है हेलमेट की। हम पता नहीं क्या है यार, वर्का ढूंढो वर्का आएंगे। भूख लगी खीर खाओ। ओ भाई गुरु खीर लेगा ना खीर। हाँ दो खीर दे दो जी। ये जो आइटम है ना टॉप नॉच। सो ये हमारी फेवरेट वर्का की खीर जो हम हमेशा खाते हैं शिमला वाले हाईवे पे आके। एकदम परफेक्ट मीठी होती है, मज़ा आ जाता है खाने का। खा के देखना 20 रुपये में, अमेजिंग है। सो वर्का की खीर खा ली हमने 20 रुपये में। जो मिठास मिलती है ना वर्का की खीर में, वर्का वर्का बार बार बोलता हूँ, मुझे बताया था वर्का बोलते हैं, सो सॉरी फॉर दैट। बट फैन हूँ यार मैं इस चीज़ का, जब भी आता हूँ वर्का की खीर इस हाईवे पे तो डेफिनेटली खाता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, अगर मीठा पसंद है ना, दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड ट्राई इट, 20 रुपीज़ में ऑसम। इसी नहीं है एडवेंचर टूरर्स ना ऑफिस ट्रैफिक में फंस गए हैं अम्बाला चंडीगढ़ रोड पर। तो हमारा प्लान ये है कि हम जीरकपुर वाली साइड से लेंगे और बद्दी वाले रास्ते से जाएंगे, जिससे हमारा ना बिलासपुर वाला एरिया होपफुली थोड़ा बहुत अवॉइड हो जाए। यहाँ आगे धर्मपुर वाले रास्ते से भी जा सकते हैं मनाली। तो दो तीन ऑप्शन इवेल्युएट कर रहे हैं किस ऑप्शन से मनाली जाना। हमें ना कम से कम ट्रक्स मिले, क्योंकि ट्रक्स बहुत बुरी हालत ख़राब करते हैं पूरे रास्ते में, और उनका जो धुआं होता है ना काला, जो मुँह में मारते हैं साथ में मिट्टी मारते हैं, बंदा लिटरली परेशान हो जाता है। हट जाओ जी, हट जाओ जी। सो गाइस 300 किलोमीटर्स डन इन 4.5 आवर्स, या 4.5 आवर्स, प्रीटी डिसेंट स्पीड कंसिडरिंग हम लोगों ने दो ब्रेक्स लिए हैं, एक वर्का वाला एक मयूर ढाबा वाला। सो बढ़िया स्पीड आ रही है अभी तक, एंड वी आर एट द फुटहिल्स, पहाड़ों की स्टार्टिंग पे पहुंच चुके हैं। ब्लैंका जो है हमारी टाइगर 800 बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत ज़्यादा। एक नया चेन स्प्रॉकेट डलने के कारण जो चेन आता है ना बाइक में, ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे पास बाइक थी वर्सेस जिसको मैंने अराउंड 25,000 किलोमीटर चलाया था, उसमें चेन स्प्रॉकेट चेंज होना था, तब मैंने बेची थी वो। सो वो जो सडन चेंज है मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। इस बार मेरे को पता लग रहा है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्राइव ट्रेन के साथ कैसा मज़ा आता है बाइक चलाने में, सुपर स्मूथ लग रही है। वैसे हम सब लोग टोल ब्रिज से नफरत करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लाइनें लगती हैं, बट ये जो टोल है ना इससे मुझे प्यार है। और आपको पता है क्यों प्यार होगा इस टोल से? क्योंकि दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द हिमालयाज, द हिमालयाज, द हिमालयाज। यस, इस टोल के बाद प्रॉपर पहाड़ चालू हो जाएंगे शिमला जाने के। तो इस टोल की ना, इस टोल से कभी नफरत नहीं हो सकती हम लोगों को यार। बाइकर पहाड़ों को प्यार करता हूँ, ऐसे टोल से नफरत कैसे हो सकती है जो सीधे पहाड़ों में लेके जाए। वेलकम टू द हिमालयन एक्सप्रेसवे, हिमालयन। चलो पद्दी 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 पद्दी। सो 9:39 AM गाइज, एंड हम अभी पद्दी पहुँचे हैं, यहाँ से भी हिमाचल बॉर्डर पहुँचने वाले हैं। अभी जस्ट मैंने अभी अपना ई पास के लिए रजिस्टर किया है। ई पास अभी ना आजकल हिमाचल का इंस्टेंटली आ जाता है। सो जैसे ही अप्लाई किया, कोविड डबल डोज वैक्सीनेटेड हूँ, उसका सर्टिफिकेट अपलोड किया, एंड ई पास इज़ रेडी फॉर मी। पहले मेरे को याद है पिछले साल जब ई पास के लिए अप्लाई किया था तो बहुत स्केरी होता था सीन, बंदे लोग अपने ड्राइव के लिए या राइड के लिए निकल जाते थे और ई पास हिमाचल बॉर्डर पहुंचने पे आता था, या कभी कभी वेट भी करना पड़ता था, बट अब वो चीज़ नहीं है, इमीडिएटली ई पास आ रहा है। सो क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है, हमने अपने नॉर्मल गॉगल्स अंदर रख दिए हैं और स्कॉट के मोटो गॉगल्स लगा लिए हैं, जो हम वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट एयर फ्लो चाहिए अपने को हेलमेट में। अब चाहे नाक में मिट्टी लग जाए, बद्दी से ऊपर कहीं आए हम, रास्ता थोड़ा सा अननोन है, हम मेन स्ट्रीम रास्ता नहीं ले रहे जो बेसिकली स्वार घाट वगैरह से जाता है। इस रास्ते से हम स्वार घाट के आगे ही निकलेंगे डायरेक्ट, और आई थिंक बिलासपुर निकलेंगे, मुझे क्लियर नहीं है, टोटली न्यू टू मी। फट्टा धूप में वाटरफॉल एडमायर कर रहे हैं हम। जगह ऐसी है कि अगर इस जगह पे धूप ना होती तो बहुत ही बढ़िया जगह थी बैठने के लिए, फ़ोटो वोटो लेने के लिए, बट इन द हीट ऑफ द सन इट्स डजंट साउंड लाइक अ गुड आइडिया टू गेट ऑफ द बाइक, रिमूव द हेलमेट एंड डू ऑल दैट स्टफ।
जैसे ही सूरज हल्का सा छुपता है ना बादलों में, तो मौसम एकदम बढ़िया हो जाता है। इट इज़ लाइक ऑसम टू राइड इन द हिल्स। ठंडक फील होती है, फ्रेशनेस फील होती है, एंड यू स्टार्ट लविंग द राइड। बट जैसे ही धूप आती है, जैसे फिर से आ रही है अब, फिर से वही गर्मी लगना शुरू हो जाती है, ह्यूमिडिटी फील होना शुरू हो जाती है। सो ये फर्स्ट डे की स्ट्रगल है यार पूरी मनाली पहुंचने वाली, हमेशा से ही ऐसी रही है, हमेशा ही ऐसा लग रहा है ये बैक कंट्री ट्रेल्स में आ गए हम। जाना हमें मंडी है और रास्ता जो हमने लिया है वो कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस हो गया है। ओ तेरी, चलो है, ओ तेरी, ओहो कचरा साला। अरे भैया तो पहले दिन से ही ऑफ रोडिंग करा रहे हो तुम, ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग। क्या मिट्टी कचपच। ओ भाई ये क्या जिम कॉर्बेट में ले आया क्या कहीं अंदर? ऐसा लग रहा है किसी नेशनल पार्क में आ गए अंदर, कोई यहाँ पे टाइगर सही में वही में शेर वेर घूम रहे होंगे। चलो ट्रेल राइडिंग। नहीं नहीं ऊपर चलो, जहां रास्ता दिखे सीधे ऊपर वाला ले लो। बैटरी खत्म गोप्रो की, बाय बाय। सो 12:45 PM एंड वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ लंच ब्रेक। आई एम नॉट श्योर वेयर वी आर एग्जैक्टली, बट आई थिंक वी आर अबाउट 90 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मंडी। सो मंडी जाने में भी अभी 3 घंटे लगेंगे, 2.5 से 3 घंटे। सो लंच करने का सोचा है, सिंपल खाना खाएंगे, दाल रोटी वगैरह, जिससे ना पेट कंट्रोल में रहे, क्योंकि ट्रिप की स्टार्ट है। ज़्यादा नॉन वेज वगैरह वाला टाइप का खाना नहीं खाएंगे, मसाले वाला, क्योंकि उससे पेट वेट खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बट वी हैव फाउंड दिस प्लेस, द जायका रेस्टोरेंट। यहाँ पे एक्चुअली मुझे GoPro की बैटरी चेंज करनी थी, तो वो भी कर रहे हैं एंड आपको जगह भी दिखा रहे हैं। पीछे वैली व्यू है, बहुत बढ़िया। दैट इज़ अ ब्लैंका द टाइगर 800 विद द डर्ट सैक लगेज, विच इज़ होल्डिंग अप प्रिटी वेल। एक बार मुझे थोड़ा सा टाइट करने की ज़रूरत पड़ी थी, मे बी सुबह मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करा था, तो टाइटनेस जो कैम बकल है उसकी थोड़ी सी लूज़ हो गया था कैम बकल, बट अदरवाइज द बाइक्स आर होल्डिंग अप प्रिटी वेल। लुक एट GS from BMW with those fancy stickers just behind the restaurant. This is the valley view. We have done close to about 410 kilometers in the last 8 hours, so 50 की average speed आ रही है। एंड अगर आप शुरू से ये वीडियो देख रहे हो तो आपने देखा होगा एवरेज स्पीड कैसे रिड्यूस हुई है। स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग के 2 घंटों में हम लोगों ने 186 किलोमीटर्स करे थे, तो 93 की एवरेज स्पीड आ रही थी, फिर बीच में 70 हुई हमारे फर्स्ट ब्रेक पे, एंड अब 50 की होगी एवरेज स्पीड। सो ब्रेक्स ले लेके पहाड़ों की स्पीड, बीच में हमने एक दो जगह पे तो पता नहीं क्या रास्ता ले लिया, इतनी ज़्यादा गलत टाइप की ट्रेल्स पे चले गए थे हम, तो अच्छी खासी ऑफ रोडिंग की प्रैक्टिस भी हो गई। बट एनीवेज 1 घंटा हमारा वेस्ट हुआ, बट एक न्यू रूट डिस्कवर किया, इनफैक्ट काफ़ी सारी इंटीरियर में ट्रेल्स डिस्कवर करी। कैसी रही ट्रेल फ्राइडे? सुपर भैया, अनएक्सपेक्टेड ट्रेल्स। जगह का नाम पता है कब गए थे? ये भी नहीं पता। पट्टा चंडी आफ्टर लंच लेट्स स्टार्ट द राइड टू मंडी। 2.5 hours फ्रॉम हेयर, अभी टाइम हुआ है 1:30। सो अगर हम रुकते नहीं हैं तो 4 बजे पहुँचेंगे। मुझे ना दुर्स्वप्न आ रहे हैं मनाली जाने के, ऐसे रास्ता हो गया है यहाँ, दुर्स्वप्न है ना मनाली जाना, एक नाइटमेयर बन चुका है यार। एक दिन रुकते हैं बढ़िया मनाली में, वापस चलते हैं, हमारी बीवियाँ खुश। वाओ, दिल नहीं लगा तुम्हारे बिना जानू वापस। ये इतनी पास से क्यों निकाल रहा है? 20 है क्या? पता नहीं कैसे ही बिल्कुल ही हमारे को दबोच के निकालते हैं, पूरी रोड उधर से खाली होती तब भी। ये तो फड़फड़ा रहा है भाई BMW पीछे से, चेन गार्ड टकरा रहा है, तर 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 तर। हाँ टूटा नहीं है, ऐसे तर 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 टकरा रहा है चेन पे, आवाज़ नहीं आ रही देखो। BMW वाले कहते हैं ये तो इंटेंशनली प्ले दिया हमने। अबे कहाँ आ गए, डुंडा एडा गांव में आ गए क्या? ये कहाँ है हम भाई? ये कहाँ काजीरंगा के जंगलों में ले आए? लिटरली इस बार तो मनाली पहुँचने को ना हमने क्या बना दिया भाई। आज धर्मपुर से नॉर्मल आते तो इधर निकलते इसी ब्रिज पे डायरेक्ट, और राइट लेते हैं यहाँ से। सो गाइस अनदर शॉर्ट ब्रेक इज डन, जस्ट हैड सम नींबू पानी एंड आई थिंक वी आर ऑल सेट टू गो। ये दोनों बैग्स के बीच में से ना पैर डालना पड़ता है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो चुकी है पूरी की पूरी चीज़ ना।
पर ठीक है, कल इस बैग को ना पीछे करने की कोशिश करेंगे अपने ड्राई बैग, अपने डर्ट सैक के बैग के ऊपर, तो होपफुली बेटर हो जाएगा। 144 किलोमीटर फ्रॉम हेयर टू द मनाली हाइट्स होटल वेयर दीज गाइज आर सेइंग थ्री मोर राइडर्स। आई एम राइडिंग विद सुमित टुडे, थ्री मोर राइडर्स आर वेटिंग फॉर अस एट द मनाली हाइट्स होटल एंड टू ऑफ देम केम हेयर ऑन द एक्सपल्स एंड वन केम ऑन द हिमालयन। सो finally we are in Sundar Nagar and Mandi is like about 20 kilometers from here max, that's what I feel. As I have been saying for the last 5 years now, ye road nahi sudharegi, idhar yahi rehta rahega. Thodi bahut development dikh rahi hai idhar, ye divider ban gaya, thoda sa halka sa improvement aaya hai but abhi time lagega. Aur pahad pahad pahad, in wadiyon mein jana hai hame abhi, Mandi ke beyond jo wadiyan hai Manali ki, मौसम देखो एकदम अल्टीमेट हो रहा है, ऊपर बारिश पक्का मिलेगी मुझे लगता है। व्हाट फन, ऐसा लग रहा है रोड खत्म ही ना हो यार। बस इतना ही था यार फोर लेन, इससे ज्यादा था नहीं। वापस बैक टू विदाउट डिवाइडर वाली रोड्स। तो मंडी पहुंच चुके हैं हम और पेट्रोल भरवाना है अभी। एक बार हमने सुबह पेट्रोल भरवाया था, 1600 रुपये का पेट्रोल भरा था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फुल टैंक। एक बार फिर से भरवाना पड़ेगा, 1600 रुपये का पेट्रोल फिर आएगा, 1500 का तक तो आएगा ही। आप लोग जो पूछते हो कि टाइगर लंबे ट्रिप पे क्या माइलेज देती है, एक्चुअली टाइगर की जो माइलेज आ रही है वो आ रही है 21.2 किलोमीटर्स पर लीटर, 5 रुपये पर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द रेट। कितना हो गया, 1400, 1390।